कभी भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल रहा खेती किसानी धीरे धीरे हाशिए पर चला गया। आज आलम यह है कि देश के 55% लोगों के रोजगार का अहम साधन खेती बागवानी का योगदान देश के जीडीपी में महज 17.1% ही है। देश में आर्थिक उदारीकरण के बाद से खेती पर और ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए था, पर अब जाकर हाल के वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही देश की राजनीति के केंद्र में भी कृषि और किसान हैं। इस बार के बजट से इस क्षेत्र को काफी उम्मीदें हैं। 2018 के आम बजट में भी कृषि क्षेत्र पर खासा फोकस किया गया था। देश के किसानों को उम्मीद है कि इस बार के आम बजट में सरकार इस दिशा में कुछ नई पहल कर सकती है। पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने कृषि के लिए 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का नारा दिया था। ये लक्ष्य पूरा करने के लिए हर साल महंगाई के असर को छोड़कर किसानों की वास्तविक आय में 10.5% वृद्धि होनी चाहिए थी। उन 6 सालों में से 3 साल अब तक बीत चुके हैं। इस बीच किसानों की आय की अब तक सिर्फ 2 या 3% सालाना की वृद्धि हुई है, यानी कि अब आने वाले 3 साल में कम से कम महंगाई को निकालकर 15% सालाना वृद्धि करनी होगी। अब किसान यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो बजट अगला पेश 4 या 5 तारीख होने वाला है और सरकार कह रही है कि किसान को 2022 तक दुगना आय करना है, तो किस तरह से किसान को लाभ सरकार दे कि दुगना लाभ होगा। इस बार बजट में उम्मीद तो करनी चाहिए कि बचे हुए 3 सालों के लिए किसानों की आय बढ़ाने की योजना सरकार पेश करेगी। कृषि क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर लगभग 20 से 25 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करना होगा। खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और वनों को बढ़ाने के लिए बेहतर व्यवस्था खड़ी करनी होगी। देश की आयात निर्यात नीति में भी बदलाव करना होगा ताकि व्यापारियों के हित की बजाय किसान को फायदा मिल सके। योजनाएं तो लेकर के आई है सरकार, लेकिन धरातल पर जो योजना लागू होना चाहिए था वो योजना धरातल पर लागू नहीं हो रहा है। कारण कि बहुत से किसान आज भी इस योजना से उसको जानकारी ही नहीं है कि सरकार क्या क्या योजना लेकर के आई है। इसलिए एक जन जागरूकता की आवश्यकता है ताकि किसान जान सके कि हमारे हित में सरकार कौन कौन सी योजना लेकर के आई है। सरकार ने इस फरवरी में चुनाव से पहले किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष देने की प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना घोषित की थी, जो देश के 12 करोड़ किसान परिवारों को मिलने की उम्मीद थी। इनमें से बहुत किसानों को 2,000 की एक या दो किस्त मिली है, लेकिन बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिन्हें इस योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल सका है, जिसके लिए सही कार्य योजना बनाने की जरूरत है जिससे सभी किसानों को लाभ मिल सके। क्या गरीबा है और किसान लोगों को पैसा दिया जाए, किसान लोग मर रहा है रौदी से, बहुत क्षति बड़ा हो गया, जो फसल लगाए सब जल गया, कोई आधार सरकार रास्ता निकाले पैसा हम लोग। इन सब से अलग सच ये है कि देश में जमीन के मालिक किसानों से अधिक संख्या में वो किसान हैं जो भूमिहीन हैं, या तो मजदूर के रूप में खेती करते हैं या फिर बटाई और ठेके पर खेत लेकर किसानी करते हैं। अभी तक देश में इन किसानों को चिन्हित करने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर इस बजट में सरकार इसके लिए कोई प्रावधान लेकर आती है तो वो ऐसे किसानों के लिए वाकई में बहुत बड़ा कदम होगा। मोदी सरकार की एक और बड़ी योजना थी पीएम आशा। इस योजना का उद्देश्य ये था कि सभी किसानों को अपनी पूरी फसल एमएसपी पर बेचने की सुविधा मिले। सरकार ने स्वीकार किया था कि अधिकांश किसान अपनी अधिकांश फसल सरकारी रेट पर नहीं बेच पाते हैं और उसके लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की थी, लेकिन सच ये है कि पिछले साल ये योजना पूरी तरह सफल नहीं रही। इसको सफल बनाने के लिए सही तरह से कदम उठाने की जरूरत है। अगर सरकार किसानों के कल्याण के बारे में चिंतित है तो उन्हें सबसे पहले किसानों की फसल खरीदने के लिए सरकार के बजट में उपज के खरीद के लिए अधिक से अधिक बजट देना चाहिए। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो सरकार का प्रावधान है, जो अन्य फसलों में लागू किया जाता है, जो भी सब्जी है या फल फूल की सब्जी है उस पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होना चाहिए।
एक जूता बनाने वाला कंपनी अपना टैग लगाता है कि इस जूते का दाम इतना रुपया है, और हम अपने उत्पाद का उत्पादन करके और हम अपने उत्पाद का रेट नहीं लगा पाते हैं कि हमारा सब्जी जो है अमरूद है केला है जो हम उत्पाद करते हैं उसका बिक्री कितना में होना चाहिए। इसलिए सरकार को अगर किसान को, कृषि प्रधान देश में किसान के हित की बात करना है, कृषि प्रधान राज्य की बात करना है, तो सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारे जितने भी फसलें हैं सब्जी पेरिशेबल आइटम सारे पर उसको लागू करना चाहिए। किसानों से जुड़ी मोदी सरकार की तीसरी बड़ी योजना थी पीएम फसल बीमा योजना। इस योजना से देश के अधिकतर किसानों को जानकारी के अभाव में लाभ नहीं मिल पा रहा है, यानी इस योजना में लाभार्थियों की संख्या जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए थी उस हिसाब से किसानों की संख्या में बढ़ी, जिसके चलते किसानों को मुआवजे का फायदा फसल खराब होने पर भी नहीं मिल सका। ऐसे में इस योजना को सही तरीके से अमल में लाने की जरूरत है, जिससे किसानों के नुकसान की भरपाई हो सके। उत्पाद है, उत्पाद पर फसल बीमा लागू होना चाहिए ताकि किसानों को ज़्यादा लाभ मिल सके, और फसल बीमा के दायरे में जो भी नकदी फसलें हैं सब्जी फल उसको लाना चाहिए। इस साल देश के बड़े इलाके में सूखे की आशंका है। जून के महीने में बारिश में 33% का घाटा हो चुका है। किसानों को प्राकृतिक आपदा से राहत दिलाने वाली किसी भी योजना की परीक्षा इस बार होगी। वित्त मंत्री से आशा करनी चाहिए कि वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करे, ताकि इस बार सूखे में देश के किसानों को बेरुखी का सामना ना करना पड़े। न बरसा हो रहा है, न पानी हो रहा है, सारा अमरूद केला जल गया। हम लोग किसान आदमी मर रहे हैं, कोई तरह का सहारा हम लोग न खाट के, न पैसा के, न कुछ ऊपर हमको फायदा नहीं हो रहा। हम लोग के पूरा हम लोग पूछ ला रहे हैं, मर रहे हैं, हम लोग परेशान जा रहा है। पानी का बहुत कष्ट यहाँ ज़्यादा है, रामभद्र में बहुत पानी का दिक्कत हो रहा है। इसमें सूखे की स्थिति में देश में सिंचाई की योजनाओं पर ध्यान जाता है। अपने पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने 99 सिंचाई परियोजनाओं और अनेक लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा था। वो लक्ष्य आज भी अधूरा पड़ा है। अगर निर्मला सीतारमण इस बजट में इन योजनाओं को पूरा करने के लिए राशि आवंटित करती है तो किसानों को तत्कालिक राहत से आगे भी कुछ उम्मीद बंधेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।